नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आप सभी को पता है कि अपनी संस्कृत विषय की जो क्लासें हैं वो फर्स्ट पेपर की 3 दिन है और सेकंड पेपर की 3 दिन है। तो मैंने सेकंड पेपर के अंदर पहले वो ही विषय स्टार्ट कर रखे हैं जो विद्यार्थियों की पहुंच से दूर हो, जैसे बुक्स वगैरह तो आप अध्ययन कर सकते हैं, परंतु व्याकरण जो है उस व्याकरण के ई कंटेंट्स जो हैं वो आप लोगों तक मैं पहले पहुंचा रहा हूं, और इसके पश्चात जो है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भी समझा रहा हूं। जो भी ये ई कंटेंट्स मेरे द्वारा जो भेजे जा रहे हैं, इन सभी को आप जो है रजिस्टर के अंदर नोट करें, और यदि कोई सूत्र यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में शेयर करें या मेरे को व्यक्तिगत रूप से भी जो है पूछ सकते हैं, कोई इसमें मना नहीं है। परंतु ये नहीं होना चाहिए कि जब व्याकरण पूरी हो जाए और उसके बाद में जो है आप लोग ये कहें कि सर नोट्स हमारे पास जो है या हम लिख नहीं पाए या हमारे पास पहुँचे नहीं है या हम पढ़ नहीं पाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए साथ साथ में रजिस्टर उसमें नोट करते रहें। तो आज हम विधिलिंग लकार है उसके जो सूत्र हैं उन सूत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे, इनके विषय में हम बात करेंगे। यानी जो भवादी गण है उस भवादी गण के दशों लकार परीक्षा के अंदर हैं, और जो नौ गण हैं उन नौ गणों के पांच पांच लकार परीक्षा के अंदर आते हैं। सभी वैसे तो याद करने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं तो भी कम से कम भवादी गण है वो तो आपको पूरा याद करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में इसी के अंदर जो एद धातु है उसकी भी सीढ़ियाँ आगे जाकर के हमारे को करनी है, वो यथास्थान हम चर्चा करेंगे। तो अब मैं बिना कोई भूमिका बांधे हुए डायरेक्ट सूत्रों की तरफ बढ़ रहा हूँ, और सूत्र इस सूत्र का मैं वाचन कर रहा हूँ। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये आगे तीन तीन वन आपका जो शिक्ष है और वन है, ये जो लिखा है मतलब इसका ये हुआ कि जो अष्टाध्यायी है जिसको शब्दानुशासन कहा जाता है, जो पाणिनि का मूल ग्रंथ है व्याकरण का, जिसके अंदर लगभग 4,000 सूत्र कहे जा रहे हैं बताए जाते हैं, उनमें तीसरे अध्याय में तीसरा पाद और 161 नंबर का ये सूत्र है, ये इसका मतलब है। और वृत्ति लिखी एषु अर्थेषु धातुर्लिंग, यानी विधिलिंग लकार जो है उसके अंदर विधि निमंत्रण आमंत्रण अदिष्ट संप्रसन प्रार्थना, इन अर्थों में जो धातु है उस धातु से परे लिंग हो, इट मीन्स लिंग लकार हो। कौन सा? विधिलिंग लकार। ये जो सूत्र है जितनी भी हम सीधियां करेंगे विधिलिंग लकार की, तमाम सीधियों के अंदर जो है इस सूत्र को हम काम में लेंगे। यानी जैसे लट लकार के अंदर जैसे वर्तमान लट जो सूत्र लगता है, ठीक उसी प्रकार से सभी सीधियों के अंदर ये सूत्र लगेगा। अगला सूत्र आ रहा है यासुट परसमय पदेशु धातुंगिच, यहाँ पर भी 3,4,103 लिखा आगे। मतलब इसका ये हुआ कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसके अंदर तीसरे अध्याय में चौथे पाद में 103 नंबर का सूत्र है ये। तो लिंग है प्रसमय पदानाम यासुडा आगमो निच, यानी लिंग लकार है उसके प्रसमय पदों को यासुट जो है उसका आगम हो तथा वह उदात और ङित होता है।
यासुट में उ उच्चारणार्थक है, टकार इत्संज्ञक है हलंतम सूत्र से, और टित होने के कारण यासुट का जो है लिंग का तिबादियों का मतलब ये हुआ कि तिप तस झी, तो संधि होकर के यहाँ पै का ब हो गया, तो तिबादियों यानी तिप तस झी इत्यादि के आदि यानी पहले में आगम होता है। अगला सूत्र आ रहा है लिंग है शलोपोन्तस्य, लिंग है शलोपोन्तस्य, 7-2-7-9 यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो सातवां आपका अध्याय है उसके दूसरे पाद में और 79 नंबर का ये सूत्र है। शारु धातु को लिंगो अनंतस्य सस्य लोप इति प्राप्ते, शारु धातु लिंग के अनंते अर्थात जो अंत में न रहने वाले शकार है उसका लोप होता है। अगला सूत्र आ रहा है अतो येयः, अतः परस्य सारो धातु का अवयवस्य यास इत्यस्य ये गुण है, यानी जो अदंत अंग है, अदंत अंग मीन्स यहाँ जो धातु है उसको कहा भव, उससे परे सारो धातु का अवयवस्य यानी जो सारो धातु के प्रत्यय के अवयव यास है उसको ये आदेश हो और इसके पश्चात ही गुण हो। पहले जो यास जो प्रत्यय है उस यास को ये हो और उसके पश्चात ही गुण हो, उससे पहले गुण नहीं होना है। तो इस प्रकार से ये कुछ स्टेप्स जो हैं वो आप लोगों को जो है याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मान लो अभी गुण की जब चर्चा आई और हम जैसे भवेत बनाएं, तो भवेत बनाएं तो सार्वधातु कारधातु का जो सूत्र है उस सूत्र को यदि हम काम में लें या हम स्टेप बाय स्टेप यदि सूत्र लगाते जाएं तो उसे सूत्र के अंदर जो है शब्द के अंदर जो है पहले अतो ये सूत्र लगेगा। ये बीच में मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि ये अपना क्रम टूट जाएगा, यथास्थान हम फिर चर्चा करेंगे। तो भवेत जो हम रूप जो बना रहे हैं यहाँ क्या होगा, जो ई है यानी यास है उस यास को ये पहले आदेश होता है और उसके पश्चात जो है इसको जो है गुण जो है होता है। अगला सूत्र आ रहा है लोपो व्योरवली, यानी सूत्र जो है वह कह रहा है कि वल प्रत्याहार जो है, ये प्रत्याहार तो आप लोग जो है फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े ही हैं, उस समय से पढ़ते आए रहे हैं, बीच बीच में यथास्थान हम क्लास में भी चर्चा करते रहते हैं। यानी जो हमारा माहेश्वर सूत्र है ए उण री लि क ए ओं ऐ ओ छ य व र ट लण य म ग ण न म झ भ य घ ड द स झ भ घ ड द स ख फ छ च ट त व क प य स र हल, ये माहेश्वर सूत्र है। यहाँ जो वल प्रत्याहार आता है उसका वर्ण यदि परे होता है तो परे होने पर वकार तथा यकार का लोप हो, यानी जो अतो यह है यानी पहले जो सूत्र आया है और उस सूत्र के अंदर जो हमने यास के स्थान पे जो ई किया है उस ई में यह है उस ये का लोप हो जाएगा लोपो व्योरवली से, ये इसका काम है मुख्य रूप से। तो लोपो व्योरवली जो सूत्र है उस सूत्र से क्या हो जाएगा, वल प्रत्यार में यह है उसको छोड़ करके शेष सभी हल जो व्यंजन है वो आते हैं। वल प्रत्यार में क्या कहा, यानी यकार का लोप हो और वल प्रत्यार में यह को छोड़ करके शेष सभी हल व्यंजन आते हैं। तो वल प्रत्यार का वर्ण यदि परे है मतलब क्या हुआ, है यह वह, तो है यह वह वैसे शुरू हो गया और लास्ट में हल आता ही आता है, तो यहाँ वल हो गया तो है उधर आ रहा है तो उधर आगे आ गया, ये छूट गया, तो यह को छोड़ करके सारे के सारे जो व्यंजन हैं वो किस में आएगा, यानी हमारा जो वल प्रत्यार है उसके अंदर आता है और इसलिए यहाँ रूप बन जाता है भवेत। नेक्स्ट जो सूत्र आ रहा है हमारा सूत्र आ रहा है झेर जुस, ये जो सूत्र है तीसरे अध्याय में चौथे पाद का 108वां सूत्र है। सूत्र कह रहा है लिंगो जहर जुस शात, यानी लिंग लकार के जी है, जो लिंग लकार है उस लिंग लकार के जी है उस जी को जुस आदेश हो।
अब झुस में उस शेष रहता है, तो जय की संज्ञा करनी है हमारे को। जय की आ रही है तो चय छय जय यानी चुटु झुस, सूत्र है, सॉरी उस चुटु सूत्र से जकार है उसकी इत संज्ञा कर देते हैं और तस्य लोप है। यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो हमारे चार चार सूत्र हैं उन तमाम सूत्रों में लोप करने वाला एकमात्र सूत्र है। तो इत संज्ञा भले ही किसी भी सूत्र से हम करें लेकिन लोप इसी सूत्र से होगा। तो चुटु सूत्र से जकार है उसकी इत संज्ञा व तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। जब इसका लोप हो गया तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ उस जो है वह मात्र शेष रहता है और जो रूप होता है वो बन जाता है भवेयुः। तो विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से कोई मेरे हिसाब से कोई हड़बड़ाहट, एक शब्द बोल रहा हूँ मैं मारवाड़ी का, हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप रजिस्टर के अंदर इनको पहले नोट करें और जब आपके ये समझ में आ जाए उसके बाद में जो है आप लोग धीरे धीरे जो है इनको आप इनको याद भी करना शुरू करें। तो ये आपका जो अतो ये जो सूत्र है इसको भी आपको याद करना है। अदंत अंग जो भव उससे परे सारा धातु के अवयव या से उसको ई आदेश हो जाता है, उसके पश्चात गुण होगा। लोपो विवर्वली सूत्र के विषय में हमने चर्चा की कि वल प्रत्याहार का वर्ण यदि परे होता है तो परे होने पर ये कार्य उसका लोप हो जाता है। वल के विषय में हमने चर्चा की कि वल प्रत्याहार में यह जो वर्ण होता है उसको छोड़ करके से सभी व्यंजन आते हैं। और जहर जूस के विषय में हमने चर्चा की, जहर जूस सूत्र कहता है कि लिंग लकार का जो झी है उस झी को जूस आदेश हो जाता है। चुटु सूत्र से जकार की संज्ञा व तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। उस प्रकार से उस मात्र उसमें शेष रहता तो भवेयुः रूप सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है बार बार इनका जब आप श्रवण करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे तो आपके ये सूत्र याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। परंतु ये कतई नहीं हो सकता कि आप इसको बगैर याद किए हुए आगे बढ़ जाएं, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप इनको जो है लिखते रहें और साथ साथ में इनको जो है आप सुनते भी रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।